हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में। तो अभी तक इसमें हम लोग आपके 14 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये आपका 15वां चैप्टर है, कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए धैर्य के साथ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कक्षा 7वीं में आपने पवन, तूफान तथा चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आपने यह जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। इस अध्याय में हम दो अन्य विनाशकारी परिघटनाओं, तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तड़ित, विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खम्भों और चिंगारियां देखी होंगी। यह अगर परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलती देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है आपकी। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। चिंगारियां, जिनके विषय में यूनानी जानते थे, 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार की राल को फर्श से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में संपन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 200 वर्ष लगे। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित हैं। विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो परमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। आप बात करते हैं हम लोग रगड़ द्वारा आवेशन। क्रियाकलाप 15.1, बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए। इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाइए। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथों अथवा किसी धातु की वस्तु से ना छुए। अपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, भूसे तथा सरसों के दानों के साथ दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए, जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे भालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथिन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आइए जब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास कर लें। सारणी यानी कि क्रियाकलाप 15.2,
सारणी 15.1 में दी गई वस्तुएं तथा पदार्थ एकत्रित कीजिए। इनमें से प्रत्येक वस्तु को सारणी में दिए गए अनुसार पदार्थ के साथ रगड़कर आवेशित कीजिए। अपने अनुभवों को नोट कीजिए। आप इस सारणी में और अधिक वस्तुएं जोड़ सकते हैं। रेफिल, पॉलीथिन, ऊनी वस्त्र, गुब्बारा, पॉलीथिन, ऊनी वस्त्र, शुष्क वाल। याद रखिए, इस तरह के जो भी क्रियाकलाप हुआ करेंगे, इन्हें आप लोग पढ़ के निकल जाया करिएगा। प्रैक्टिकल करके नहीं बैठना है आपको। कहीं मालूम चला कि 2 से 4 साल इसी में बिता दिया आपने प्रैक्टिकल में। आगे हम लोग चलते हैं आवेशों की प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया। हम अगले क्रियाकलाप के लिए कुछ वस्तुएं सारणी में 15.1 से चुनते हैं। क्रियाकलाप 15.3, दो गुब्बारे फुलाइए। इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं? आइए अब हम इस क्रियाकलाप को पेन के बेकार रिफिलों के साथ दोहराइए। एक रिफिल को पॉलीथिन से रगड़िए। कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए। दूसरी रिफिल को पॉलीथिन से रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए कि रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से ना छूए। क्या गिलास में रखी रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए तो क्या होगा? आइए इसका भी पता लगाते हैं। एक रेफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। गुब्बारा के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए। रेफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाना है और प्रेक्षण करना है। आइए प्रेक्षणों का सारांश जानते हैं। एक आवेशित गुब्बारे ने एक दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया है। एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया है, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया है। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धन आवेश कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेश को हम लोग ऋण ऋण आवेश कहते हैं। यह देखा गया कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथिन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रा पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? आपका यह अनुमान है कि प्लास्टिक स्ट्रा पर ऋण आवेश होना चाहिए। सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थितिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। कक्षा 7 छठवीं में से ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं आप। परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही है। बात करते हैं आवेश का स्थानांतरण। क्रियाकलाप 15.4। मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। चित्र 15.4 की तरह इस तरह से अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर साइज की दो पट्टी काटिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए।
गत्ते की ढक्कन में पेपर क्ले को इस प्रकार घुमाइए कि यह गत्ते की लंबवत रहे। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है, क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है, क्या ये एक दूसरे को इतिकर्षित करती हैं अथवा आकर्षित करती हैं। अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टियां समान रूप से व्यवहार करती हैं? क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं? क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां एक दूसरे को क्यों इतिकर्षित करती हैं? एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल में से आवेश प्राप्त करती हैं। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युत दर्शी कहते हैं। इस युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत दर्शी। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लैप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे। वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लैप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए। हर बार आप यह देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लैप को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्क कहते हैं। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भू संपर्क कर की व्यवस्था की जाती है। बात करते हैं तड़ित की कहानी की। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। कक्षा सातवीं में आपने यह सीखा था कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सके, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्रित हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है आवेशों के प्रभाव को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन। आगे चलते हैं। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भ्रांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक है। बात करते हैं तड़ित से सुरक्षा। तड़ित एवं झंझा गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि सुरक्षित स्थान का पता लगाना कैसे लगाएं। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां दरवाजे बंद होने पर
आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। तड़ित झंझट के समय क्या करें क्या ना करें? बाहर खुले में वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तटित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूरी पर खड़े रहें, जमीन पर ना लेटें बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर, सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन पाएंगे। देखिए इस तरह से घर के भीतर तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों, धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। क्या आपको याद है कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है? तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फोन अथवा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फोन से आपकी बात सुन रहा हो। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों और ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती। याद रखना है इन्हें, ठीक है? दैनिक उपयोग में उपयोग करना दैनिकचर्या में अपनी। बात करते हैं तड़ित चालक। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श ना करें। तांबे की प्लेट देखी होंगे इस तरह से अक्सर आप लोगों ने। बात करते हैं भूकंप। आपने अभी तड़ित झंझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन किया है। कक्षा 7वीं में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रही तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए। यह है भूकंप। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को नुकसान यानी कि क्षति पहुंचा सकता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। क्रियाकलाप 15.5। अपने माता पिता से इन भूकंपों द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछ सकते हैं। इस समय के समाचार पत्रों पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र इकट्ठा कर सकते हैं। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त चार्ट बना सकते हैं। भूकंप क्या है, जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करने वाले हैं। पहले देखते हैं भूकंप आखिर है क्या। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है।
या पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। कश्मीर में भूकंप की आपकी तस्वीर है, विनाश फ्रया, इनको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों, लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। इसे क्रियाकलाप 15.6 संसार का एक रेख यानी कि विश्व का एक रेखा मानचित्र लीजिए। भारत में पूर्वी तटीय तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर के उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंची थी। अपने माता पिता या अथवा परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों अथवा पास पड़ोस से भारत के में सुनामी के कारण नुकसान की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा थी मनगढ़ंत कथाओं जैसे बूझो की दादी ने सुनाई थी द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इस प्रकार की कथाएं प्रचलित थीं और कई जगह अभी भी प्रचलित हैं। अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्खलन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी, इसे क्या कहते हैं, भूपर्पटी। ये आपकी परिवार है, ये आपका बाह्य कोण है, ये आपका आंतरिक कोण है, ये आपकी पृथ्वी की संरचना है। चलते हैं हम लोग आगे। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है, इस तरह से टकराती प्लेट, रगड़ती प्लेट, तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में आपके दिखाई देते हैं। देखिए, यह है आपका प्यारा, यहाँ भारत, यह आपका उत्तरी अमेरिका, नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका, यह आपका अफ्रीका हो गया, ये यूरोप, ये आपका एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ आपका हिंद महासागर है, इंडियन प्लेट, अरबेनियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यहाँ है आपका हिंद महासागर। आगे चलते हैं हम लोग। यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकें। पृथ्वी पर भूस्पंदन ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी हल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान, सिंध गंगा के मैदान है। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। आपके देखिए, ये आपका तिब्बत, ये आपकी यूरेशियन प्लेट हुई, ये आपका हिमालय, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, ये सिक्किम में है आपका, ठीक है, ये आपका गंगा का मैदान हो गया, ये इंडियन प्लेट हो गया, ये आपका हिंद महासागर हो गया, यही अंडमान निकोबार है आपका। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए
दोनों भूकंप का परिमाण आपका 7.5 से अधिक था, यानी कि विनाशकारी था। भूस्पंदन पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करती हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंग कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। चित्र 15.3 देखिए, इसे चार्टर पेपर, पेन, ट्रैक, डोरी, लोलक, ड्रम यह उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन करने लगता है। इसके कंपायन तंत्र के साथ एक पैन जुड़ा रहता है। यह पैन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं। जैसा कि चित्र 15.4 में दिखाया गया, वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। भूकंप का चित्र देख लीजिए, ये आपका पृथ्वी के अंदर, ये आपका अधिकेंद्र है, ये आपका फोकस हो गया, ये पृथ्वी का पेस्ट हो गया, यहाँ भूकंप पे तरंगे हो गई, देख लीजिए। विज्ञान में अन्य बहुत से पैमाने की भांति डेसिमल एक अनुदाहरण है। रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है, इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षति नाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ है 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा। इसलिए 6 परिमाण की किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण की भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है। बात करते हैं भूकंप से बचाव। उपरोक्त चर्चा से हमने देखा, क्या सीखा? भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हमने यह भी देखा है कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। भूकंपी क्षेत्र जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना चाहिए। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सकते हैं। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो सके ताकि भूकंप निरापद हो। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। इंजीनियर से क्या कीजिए? परामर्श। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती है। अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, जिससे कि वे आसानी से ढाक रहे। दीवार घड़ी, फोटोफ्रेम, जलतापक, ग्राइंडर आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरे। चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिए। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें, यानी कि किसी मेज के नीचे छुप जाएं। झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकलें। इसमें तो इसमें क्या क्या देख लिया आपने? भूपर्वती, विसर्जन, प्लेट की
पृथ्वी की प्लेट, भूकंप, विद्युतदर्शी, तड़ित, तड़ित चालक, रेडावेश, धनावेश, रिएक्टर पैमाना, भूकंप लेखी, गर्जन, तड़ित झंझा, आवेश स्थानांतरण, सुनामी और भूस्खलन। इन सभी शब्दों की परिभाषा देने में आप लोग सक्षम होंगे। तो देखते हैं क्या सीखा है, इसका निष्कर्ष क्या रहा है चैप्टर का। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा आपका ऋण आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित अथवा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरण करने को भूकंप, भूसंपर्कण कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूपर्वती के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन अथवा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। हमें भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी अध्याय से संबंधित आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें देख सकते हैं आप लोग। और आपकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड करके इसे अपने पास रख लीजिए, ठीक है। और कभी टाइम मिलता है तो उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। इन्हें अच्छे से पढ़िए और निकल जाइए, ज़्यादा टाइम भी इसमें बेकार मत करिए और ज़्यादा दिमाग भी मत लगाना है, क्योंकि इसमें जो भी आपको बेस बनाना है, मतलब आपको शब्दों की परिभाषा जाननी है और शब्दों के बारे में जानना है, जिससे अगर कहीं आप कोई शब्द मिल जाते हैं तो आप इनके बारे में जान सकें। तो ये आपका 15वां चैप्टर था। 16वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के बारे में, ठीक है, लाइट के बारे में।